दोस्तों हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्या है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको भी दोस्तों लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो दोस्तों हमें एक एग्जांपल सॉल्व करना है पेज नंबर 190 के ऊपर का। उसके लिए दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं पहले आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों आपको पता होना जरूरी है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O का एक जो मॉलिक्यूल है दोस्तों, ये दो हाइड्रोजन आइटम से बना हुआ होता है और एक ऑक्सीजन आइटम से बना हुआ होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये दो हाइड्रोजन आइटम्स और एक ऑक्सीजन आइटम से ये H2O का एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक है, तो ये H2O मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है हाइड्रोजन का एक जो आइटम होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दोस्तों हाइड्रोजन के दो आइटम्स हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो ये दो हाइड्रोजन के एटम के अंदर कितने होंगे दोस्तों? यहाँ पे दो प्रोटॉन होंगे, इसके अंदर देखिए दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, और ऑक्सीजन का जो एटम है इसके अंदर आपको पता है दोस्तों, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, देखिए 8 है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जो एक एटम है उसके अंदर 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए H2O मॉलिक्यूल के अंदर? 2 और 8, 10 प्रोटॉन। ओके, टोटल 10 प्रोटॉन्स एंड 8 and 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन H2O मॉलिक्यूल। एक H2O का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर दोस्तों 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब दोस्तों 10 प्रोटॉन के ऊपर यहाँ पे कितना चार्ज होगा और 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे कितना चार्ज होगा वो हमें पता करना है। वो पता करने के लिए दोस्तों एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है आपको पता है, एक प्रोटॉन के ऊपर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो 10 प्रोटॉन के ऊपर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 × ये ऑलरेडी कल हम देख चुके हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा 10 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये होगा प्लस ये होगा माइनस। ठीक है, तो इसके अंदर के जो 10 प्रोटॉन है उसके ऊपर टोटल चार्ज इतना होगा और इसके अंदर जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर दोस्तों टोटल चार्ज इतना होगा। ठीक है, ये टोटल चार्ज होगा। एक और कंसेप्ट दोस्तों आपको यहाँ पे समझना है जो कि है मोलर मास। तो दोस्तों ये मोलर मास क्या होता है? ये मोलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस का जितना मास होता है उसको हम मोलर मास बोलते हैं। तो वाटर का मोलर मास क्या होगा? मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा दोस्तों? मास ऑफ वन मोल वाटर बोल सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, मास ऑफ वन मोल वाटर, एक मोल पानी का जितना मास होगा उसको मोलर मास ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक मोल क्या होता है? ये एक मोल क्या होता है? तो दोस्तों ये एक मोल मतलब उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये एक मोल मतलब उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिस सब्सटेंस के अंदर 6.02 × 10⁻²³ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो अगर पानी है, सब्सटेंस पानी है, तो 6.02 × 10⁻²³ इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर होंगे आपके पास तो उसको आप एक मोल पानी बोल सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज़ वन मोल इफ दैट सब्सटेंस कंटेन 6.02 × 10⁻²³ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट सब्सटेंस अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस इज नोन एज मोल, वन मोल। ओके, अब दोस्तों एक मोल पानी, एक मोल वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने? 6.02 × 10⁻²³ इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है ना दोस्तों वो होता है 18 ग्राम्स। तो ये 18 ग्राम क्या होगा दोस्तों? ये होगा मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना है? मोलर मास ऑफ वाटर कितना है दोस्तों? मोलर मास ऑफ वाटर है 18 ग्राम्स। तो ये 18 ग्राम किसका मास है? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास है ये। ठीक है, तो ये इसको आप मोलर मास ऑफ वाटर बोल सकते हो या फिर मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर बोल सकते हो या फिर दोस्तों एक और नाम है इसका, वो क्या है देखिए, इसको दोस्तों ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम में दिया जाएगा आपको यहाँ पे तो उसी को दोस्तों वही मोलर मास है। ओके, तो ये 18 ग्राम क्या है दोस्तों? ये 18 ग्राम इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। ओके, तो अगर इतनी बात आपकी समझ में आए तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल रीड करिए, पेज नंबर देखिए 190 के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 10.1, एग्जाम्पल नंबर 10.1 रीड करिए दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस इज प्रेजेंट, चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो पॉजिटिव कितना चार्ज है और निगेटिव कितना चार्ज है 1 ग्राम वाटर के अंदर? ओके, इन 1 ग्राम ऑफ वाटर यू हैव टू कैलकुलेट दिस, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है,
प्रोवाइड क्या किया गया है देखिए दोस्तों आपको, उससे पहले देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट। ओके सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं एक ग्राम ऑफ वाटर में। वन ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। और गिवन क्या है दोस्तों देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। ठीक है तो आपको देखिए मॉलिक्यूलर मास जो है ये ग्राम में दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, तो ये ग्राम में दिया हुआ है तो यही मोलर मास है। तो ये 18 ग्राम क्या है दोस्तों, ये मोलर मास है, मतलब ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास है, ये है 6.02 × 10⁰³, इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मास। ओके कितना है 18 ग्राम है। ओके इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो इतना है। तो अब देखिए दोस्तों 18 ग्राम मास के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक ग्राम के अंदर कितने होंगे, आपको एक ग्राम के लिए कैलकुलेशन करना है ना, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ग्राम के लिए निकालना होगा। तो 18 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक ग्राम में कितने होंगे, तो आप जैसे दोस्तों स्कूल में निकालते हो मार्क्स निकालते हो वैसे निकालना है। जैसे मान लेते हैं आपको 200 में से दो सब्जेक्ट में 200 में से मान लेते हैं 140 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे, 100 में से कितने मार्क्स मिलेंगे, तो आप कैसे कैलकुलेशन करते हो, 200 में से 140 मिले हैं तो 100 में से कितने मिलेंगे, ऐसे आप कैलकुलेशन करते हो ना। तो ये 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और 140 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा दोस्तों 70। ओके मतलब एवरेज क्या है इसका 70। ठीक है वैसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए 18 ग्राम मास के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 6.02 × 10⁰³। तो एक जो ग्राम है, एक ग्राम मास के लिए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपको क्या करना होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। 200 में से आपको 140 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो 100 में से कितने मिलेंगे ऐसे कैलकुलेशन करते हो आप। वैसे 18 ग्राम में अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं तो एक ग्राम में कितने होंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है तो अब हमने देखा दोस्तों 1 ग्राम वाटर के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है तो देखिए दोस्तों 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके दिस मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर निकालना है आपको। क्वेश्चन में क्या निकालना है दोस्तों आपको, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ जो वाटर है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 प्रोटॉन होते हैं, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा सिंपली। ठीक है सो 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन दिस इंटू 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली आपको। ठीक है तो देखिए दोस्तों इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 6.02 × 10⁰³ × 1 / 18 × क्या होगा 10, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, 6.08 से अगर आप 1 × 10 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखिए 60.2 आ जाएगा यहाँ पे × 10⁰³ होगा डिवाइडेड बाय 18, और 60.2 को अगर आप यहाँ पे 18 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, तो ये आंसर आ रहा है दोस्तों देखिए 3.344 × 10⁰³। ओके तो 1 ग्राम पानी के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके ये क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन और इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम पानी के अंदर होंगे। अब एक और क्वेश्चन है दोस्तों आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होगा 1 ग्राम पानी के अंदर वो निकालना है। ठीक है तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के वजह से, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के वजह से। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है दोस्तों देखिए -1e, मतलब कितना −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ओके और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है +1e, वो कितना होता है देखिए +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ओके ठीक है तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, और इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है सिर्फ इसका आंसर जो है वो माइनस आएगा, इसका प्लस आ जाएगा। ठीक है ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ वाटर, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा 1 ग्राम ऑफ वाटर के ऊपर, ये दिस इंटू वॉट दिस, सो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू ये 3.344 × 10⁻²³। इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आ रहा है देखिए, वो आ रहा है दोस्तों प्लस होगा ना यहाँ पे, तो प्लस 5.344 × 10⁻²³ - 19 ये होगा यहाँ पे 4। ओके तो 1 ग्राम पानी के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके और नेगेटिव चार्ज कितना होगा इसको आप अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वही आने वाला है, सिर्फ माइनस में आएगा ना। ओके सो नेगेटिव चार्ज कितना होगा
ऑन 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे इतना ही होगा, -5.344 × 10⁴ कूलम। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये भी खत्म होती है। अब देखते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी, तो अब देखते हैं हम दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी, वो क्या, देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो ये लॉ क्या है, देखिए दोस्तों चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब हम चार्ज को ना तो पैदा कर सकते हैं ना तो हम चार्ज को मार सकते हैं, ठीक है, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी अलग सिस्टम के ऊपर। ओके, तो दूसरे लैंग्वेज में अगर आपको ये लिखना है तो कैसे लिखोगे, सो देखिए दोस्तों फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कोई भी एक अलग सिस्टम है जो किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आप चार्ज को क्रिएट उसके ऊपर नहीं कर सकते ना तो उसके ऊपर का चार्ज आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब आप एज्यूम कर सकते हो कोई भी एक सिस्टम ले लो, आपके ऊपर है कौन सी सिस्टम ले रहे हो आप, ठीक है। तो सपोज दोस्तों आपने एक ग्लास रॉड लिया है यहाँ पे, तो ये आपने इसको डिफाइन किया है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है सिस्टम है, तो ये ग्लास रॉड के ऊपर अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा दोस्तों निगेटिव चार्ज होगा, तो ये न्यूट्रल है। तो दोस्तों इसके ऊपर अगर आपको दोस्तों पॉजिटिव नेट पॉजिटिव चार्ज लाना है या फिर नेट निगेटिव चार्ज लाना है तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसको आपको किसी के तो कॉन्टैक्ट में लाना होगा, दूसरे सिस्टम के कॉन्टैक्ट में लाना होगा, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे लेके आने होगी एक सिल्क का कपड़ा लेके आना होगा तो आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये पॉसिबल नहीं है, यही कहता है दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अगर दोस्तों आपके सिस्टम में ये दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लेते हैं आपके पास देखिए यहाँ पर एक ग्लास रॉड है, मान लेते हैं आपने सिस्टम को ऐसे डिफाइन किया है, आपके पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है, और आपके पास एक सिल्क का कपड़ा है, ये आपकी सिस्टम है, ठीक है, ओके, और आपने क्या किया दोस्तों, आपने ये जो रॉड है ये सिल्क के साथ रब किया है, तो सिल्क के साथ रब करने पर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हैं और यहाँ पे आ गया है मान लेते हैं निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर भागे हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर नेट चार्ज क्या होगा, इसके अंदर दोस्तों नेट चार्ज जीरो होगा क्योंकि जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू क्या होगा जीरो होगा, तो इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो है, तो यहाँ से ये प्रूव होता है दोस्तों किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर, ये आइसोलेटेड सिस्टम है इसके ऊपर हम चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना ही उसके ऊपर का चार्ज हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है देखिए दोस्तों, लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को दोस्तों रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है, ओके, और निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं दूर भागते हैं, लेकिन दोस्तों अनलाइक चार्जेस मतलब अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो निगेटिव चार्ज को और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यही है दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी। अब दोस्तों ये जो चार्जेस हैं ये चार्जेस रिपेल करते वक्त एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, ये चार्जेस रिपेल करते वक्त देखिए एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, ये अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते वक्त एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स की क्वांटिटी क्या होती है दोस्तों, ये हमें पढ़ना है कूलम्स लॉ के अंदर। तो अब देखते हैं दोस्तों ये कूलम्स लॉ क्या है, ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं दोस्तों आपके पास जो रेस्ट में हैं और जिनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो अगर दोस्तों वो अनलाइक चार्जेस होंगे मतलब अपोजिट चार्जेस होंगे, एक प्लस एक माइनस होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोस्तों वो लाइक चार्जेस होंगे मतलब दोनों भी निगेटिव होंगे दोनों भी अगर पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, तो जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर जिस फोर्स से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं उस फोर्स के बारे में जो जानकारी है वो कूलम्स लॉ देता है। तो जानकारी क्या है देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब ये जो फोर्स है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, इनकी जो मैग्नीट्यूड है ये चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है इनके इसके प्रोडक्ट को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किससे, स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, मतलब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वेयर को ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ओके, एंड दिस फोर्स एक्ट्स अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, और ये फोर्स
किस लाइन के अलॉन्ग लगता है ये दो पॉइंट चार्जेस को अगर आप ज्वाइन करोगे तो उस लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो पॉइंट चार्जेस आप ज्वाइन करके एक्सटेंड करोगे तो उस लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स लगेगा। ओके, तो अगर दोस्तों इन दोनों को एक साथ लिखना हो तो कैसे लिखोगे? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर इक्वल टू साइन में लिखना होगा आपको तो आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर एफ विल बी इक्वल टू आपको लेना होगा यहाँ पर एक कांस्टेंट जो कि हम के लेटर से दिखाएंगे यहाँ पर, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही दोस्तों क्या है, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होता है जो कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये कूलम का लॉ जो है ये न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल का लॉ है उसके जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो कूलम भाई साहब हैं इन्होंने कुछ इस प्रकार से ये लॉ को लिखा होगा शायद से। ठीक है दोस्तों, ये जो के होता है ना, ये के जो कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, मतलब ये दो चार्जेस किस मीडियम में है, वैक्यूम में है, पानी में है, किस मीडियम में ये दो चार्जेस है उस मीडियम पे ये के की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी ये वैल्यू। तो इस के वैल्यू के बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।